नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चले रुक करते खबरों की, और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर पड़ोसियों में विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ा कि विवाद ही विवाद में फायरिंग हो गई और जमकर ईंटें भी बरसाई गई। क्या है पूरा मामला, जानते हैं विस्तार से। फरीदाबाद में पड़ोसियों के विवाद में फायरिंग की वारदात सामने आई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला थाना सदर बल्लभगढ़ के गांव मिर्जापुर से सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार दो पड़ोसियों के बीच मामूली सी बात को लेकर गाली गलौज में एक शख्स ने सरेआम कमर से पिस्तौल निकालकर फायरिंग की। सरेआम फायरिंग करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है और सूचना के बाद सदर थाना बल्लभगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर की ओर, गोपाष्टमी के पावन पर्व पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ ऊंचा गांव स्थित नंदीग्राम गौशाला पहुंचे और पूजन करके गायों को गुड़ खिलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा करने से बड़ा धर्म और कोई नहीं है। भारत देश ऋषि मुनियों की धरती है, जहाँ गौ सेवा करके व्यक्ति अपने जीवन को शांति प्राप्त कर सफल बना सकता है। यहाँ पहुँचने पर नंदीग्राम गौशाला के प्रधान रूपेश यादव सहित सभी भक्तों ने मंत्री मूलचंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाला में आयोजित यज्ञ में परिवहन एवं खनन विभाग मंत्री कैबिनेट मूलचंद शर्मा ने आहुति डाली। नंदीग्राम गौशाला पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम था? आज गौ अष्टमी है और गौशाला में गौओं की जो पूजा है, सभी लोग शहर के सभी लोग गौ अष्टमी की पूजा में लगे और मैं भी गौशाला में आया हूँ। तो आज हिंदू संस्कृति रीति और नीति के रिवाज से गौ माता की पूजा होती है और प्रकृति को जो पर्यावरण की जो शुद्धिकरण होती है कि माता के गोबर से उससे सबको शुद्धि मिलती है। कितना अहम मानते हैं हिंदू धर्म में इस गोपाष्टमी? इससे अहम है ही क्या? द्वापर हो, त्रेता युग हो, गौ से बड़ा है क्या? सभी मानते हैं और सभी लोग इसको मानते हैं। हाँ, जैसा कि गोपाष्टमी है और बाबा जी उसके जिस तरीके से आप गौशाला में पहुँचे हैं, पर फिर भी शहर के अंदर बहुत सारी जो गौ वंश है वो ऐसे ही घूम रही है, आवारा घूम रही है, तो क्यों उन लोगों को, उन गायों को क्यों? धीरे धीरे सब चीज़ पे आज इस पे है, एक लोगों की जागृति होगी, लोगों के मन में पीड़ा होगी। आज एक गौशाला है, कल्चर गौशाला बनेंगे। और ये पहले 5 साल पहले यहाँ खड्डा था, हालात थे, कोई आ नहीं जाता, मैंने देखा जो हालात, और 5 साल में गौशाला देखिए भव बन के तैयार हुई है। ये धीरे धीरे है, आने वाले 5 साल में और गौशाला बनाएंगे दो एक, जो शहर के लिए जो गौवंश के जो पशु हैं जो सड़कों पे हैं, नई गौशाला बनाएंगे और जिससे आने वाले समय गौ की सुविधा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, ग्राम पंचायत के होने वाले चुनावों को लेकर जहां अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन वहीं गांव में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। फरीदाबाद जिला परिषद वार्ड नंबर 7 से मैदान में दावेदारी ठोक रहे ओमपाल जवा ने मोहना मंडी में 36 बिरादरी के साथ बैठक कर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी ठोक दी है। इस दौरान 12 गांव की सरदारी ने ओमपाल जवा को आशीर्वाद देते हुए पूरा समर्थन देने का भी वादा किया है। साथ ही इस दौरान मोहना गांव की सरदारी ने ओमपाल जवा को भेंट में गाड़ी देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान सभी सरदारी के बड़े बुजुर्गों ने एक दूसरे को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में काफी सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा गांव में अस्पताल की सुविधा न होना है, जिसको लेकर लोग लगातार सरकार और प्रशासन से मांग भी करते आए हैं। यदि वो चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम गांव के अंदर छोटे अस्पताल खोलने का करेंगे। जो मुझे मान सम्मान दिया है, एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो इस गरीब से बच्चे को एक भेंट करी है, जवा गांव को बड़ा मान सम्मान दिया है, बड़ा आभारी हूँ इस बात के लिए मैं। और सदैव मैं और मेरा गांव हमेशा मोहना बस्ती का ऋणी रहेगा। और मेरे बड़े भाई हरके सत्री, जो पूरा प्रोग्राम इन्होंने इतने अच्छी से आयोजन किया है, मैं इनका बार बार अभिनंदन आभार करता हूँ। कौन कौन गांव ऐसे थे जो यहाँ शामिल हुए आपको यहाँ देने के लिए, और क्या कुछ रहने वाला है आगे? यहाँ सभी गांव जो हमारे वार्ड नंबर 7 में लगते हैं, पहलादपुर से जो हमारे बुजुर्ग हैं दादा वीर सिंह, और भी बहुत साथी आए हैं साथ में उनके,
लडौली गांव से सबसे बुजुर्ग दादा जीवनलाल जी और भी साथ आए हैं उनके, मैं सभी का नाम लूँगा तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। हीरापुर से मेरे भाई सुमेश गौर भी आए हुए हैं, मोहना मंडी से सतीश प्रधान जी जो मेरे साथ ही खड़े हुए हैं, चाचा नंदू भी साथ मेरे खड़े हुए हैं। चुनाव की पगड़ी आपके सिर चढ़ चुकी है, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? मुद्दे तो बहुत है जी, लेकिन कोशिश हम ये करेंगे, जो लॉकडाउन एक ऐसी चीज है जिसने लोगों को घरों में कैद करके रख दिया, दीन दुनिया से काट कर रख दिया, लेकिन वहीं इस लॉकडाउन का एक व्यवसाय ने फायदा उठाया। आज हम आपको इसी व्यवसाय की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने लॉकडाउन की निरस्ता को छत पर सब्जियां फल फूल का दुर्लभ पौधे की खेती करके दूर करने का काम किया है। लॉकडाउन और उसके बाद के इन चार महीनों में घर की छत पर ही सब्जी की खेती का आकलन कर लिया। वो अब अपने अनुभवों को लेकर इतने उत्साहित है कि वो इस खुशी को लोगों से साझा कर रहे हैं। भारत के हरियाणा प्रदेश के पलवल जिले के रहने वाले ज्ञानचंद गोयल अपने घर की छत पर हरी सब्जियां तक की खेती कर रहे हैं। घर की छत पर आपको मूली, शलगम, गाजर सहित अन्य सब्जियां भी उगी हुई नजर आएगी। अपनी छत पर इस तरह की बागवानी शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पौधे के लिए मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। मैंने इन मूल चीजों को समझा और धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, जिसके बाद मैंने ये खेती की है। दिनेश कुमार जी, आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती आपके एक दोस्त मित्र हैं जो कर रहे हैं, उनको लेके आप क्या प्रेरित हो रहे हैं और लोगों को क्या इसके लिए बताएंगे? जी, मैं तो इनको देख के बहुत प्रेरित हूँ। खासकर इन्होंने इस छत के ऊपर इतनी तरह की वेजिटेबल्स जो प्योर ऑर्गेनिक हैं, जिसमें कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते, कोई दवाई यूज़ नहीं करते, जो कि सारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाते हैं कई बार, तो इस तरह की ये सब्जियां हैं पैदा कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत प्रेरित हूँ। और मैं चाहता हूँ कि, और खासकर एक और अच्छी चीज़ है इन्होंने जो की है, कि जो किचन का जो वेस्ट है उसको, वेस्ट को भी ये खाद बना देते हैं, उसमें डालते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये तो पूरा ऐसे होता है ना, जीरो बजट खेती जैसे होती है कि कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, उसके हिसाब से इन्होंने खेती का अरेंजमेंट जो किया, इट्स रियली वंडरफुल और बहुत इम्प्रेसिव है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या ऐसे कोर्सेज, अगर इन केस एग्रीकल्चर का कोई डिपार्टमेंट आता है तो उसके अंदर क्या ऐसे कोर्सेज के लिए कुछ लोगों को कहेंगे? हूं, आपने सही कहा नितिन जी, और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे स्टूडेंट एक एड ऑन कोर्स की तरह से एक क्रेडिट का, कुछ दो तीन क्रेडिट का कोर्स ऐसा करें जिसमें कि अगर वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसको बचाने में और खेती, अच्छी खेती करके। अच्छा, क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद गोयल। ज्ञानचंद जी, आप अपने घर की छत पर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या उद्देश्य है? जो अपनी वेस्ट है वो तो यूज़ में आ जाती है अपने सारा कुछ, दूसरा जो भी घर में पैदा करते हैं उससे टेस्ट बढ़िया होता है, घर वाले सारे मतलब ये कम लागत में सब चीज़ें पैदा होती है, बस बीज हम बाहर से लाते हैं, बाकी अपना सारा कुछ प्रोडक्शन अपना है। तो क्या इससे जो बाहर की सब्जियां हैं जो बाजार में मिल रही हैं और इस सब्जी में क्या फ़र्क है? टेस्ट में बहुत फ़र्क है। देखो, हो सकता क्वालिटी वाइज इतनी इम्प्रूव नहीं हो, पर टेस्ट में और उसमें हारी बीमारी जो होती है वो नहीं है कोई भी, बहुत टेस्ट बढ़िया है इसका। दूसरा, अगर हम इस बात करें कि कोविड के समय में लगातार डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि स्वच्छ सब्जियों का सेवन करें, तो क्या ये उसके लिए हार्मफुल है और लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? ये हार्मफुल कहाँ होगी, इससे तो जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी ही, कटेगी थोड़ी। तो आप अपनी चीज़ खाओगे, उसको धूप भी मिलती है, अगर ऊपर खेती करोगे या मेहनत करोगे तो इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे कोई घटेगी नहीं। लोगों को क्या अपील करना चाहोगे अपने इस खेती से प्रेरित होकर? मैं तो चाहूँगा कि भाई सब कोई गमले में होगा। चलिए, खबरों में बात करेंगे अब चरखी दादरी की। निजी परमिटों व अन्य मांगों के विरोध में रोडवेज कर्मी जहां 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे और चक्का जाम करेंगे, वहीं मांगे नहीं मानने पर तालमेल कमेटी मीटिंग बुलाकर चक्का जाम सहित कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। हड़ताल को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने दादरी बस अड्डे की वर्कशॉप में रोष मीटिंग की और प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई। रोडवेज तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य ओम प्रकाश अग्रवाल की अगुवाई में कर्मचारी ने वर्कशॉप परिसर में रोष मीटिंग और कई प्रदर्शन किए। प्रदर्शन में डिपो प्रधान हरियाणा प्रदेश श्री भगवान
व मंजीत दलाल ने भी संबोधित किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने स्पष्ट रूप से सरकार को चेताया है कि इस बार वे अपनी मांगों को लेकर चुप नहीं रहेंगे। इसी कड़ी में रोडवेज के कर्मचारी 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होकर बसों का चक्का जाम करेंगे। कर्मचारियों ने सरकार व विभाग के आला अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कई बार सरकार से वार्ता होने की बात भी, उनकी मांगों को पूरा नहीं करने की ये बात भी कही है। इस बार वे सभी यूनियन के सहयोग से हड़ताल में शामिल होंगे। सरकार हरियाणा और केंद्र में आई है जब से, तो निजीकरण करने के ऊपर तुली हुई है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे रोडवेज का सेक्टर हो। ऑल इंडिया लेवल पर 10 ट्रेड यूनियन इस हड़ताल में शामिल हैं। हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, पुरानी पेंशन को लागू करो, कच्ची भर्ती बंद करो, निजीकरण बंद करो, पक्की भर्ती करो, स्थायी रोजगार दो, और हरियाणा के जो मुद्दे हैं जिसमें हमारे रोडवेज के 92 से 2 तक के चालक परिचालकों को वेतन उन्हें जो 2004 वालों के बराबर करो, अप्रेंटिस को यहीं शामिल करो, बेड़े में 14,000 नई बसें शामिल करो। ये मुख्य मुद्दों को लेकर के हरियाणा रोडवेज जो देशव्यापी राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है उसमें अभिन्न अंग बन करके, इस उसका हिस्सा बन करके रोडवेज का हरियाणा में चक्का जाम करेगी आने वाली 26 नवंबर को। इसी आह्वान के ऊपर इनको जागरूक करके जाएंगे और यह आह्वान करके जाएंगे भी रोडवेज का तमाम कर्मचारी आने वाली 26 नवंबर को हड़ताल में हिस्सा ले, अपनी भागीदारी दे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो केंद्र का मुद्दे के छोड़ करके हम हरियाणा के जो हमारे हरियाणा के जो आर्थिक मांगे हैं जो परिवहन में हो रही है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, जब कोरोना काल के अंदर सभी कुछ बंद था उस टाइम ये प्राइवेट कहाँ थी, उस टाइम प्राइवेट महकमे कहाँ थे, उस टाइम सरकारी महकमों ने आगे आकर के, सरकारी रोडवेज के कर्मचारियों ने आगे आकर के बहुत एडवांस में काम किया। और इसी तरह हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी मुसीबत आती है तो सरकारी कर्मचारी अगली पंक्ति में खड़ा होता है, तो हमारी ये मांग है कि रोडवेज के अंदर भी 10,000 बसें शामिल हों ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और एक जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। तालमेल कमेटी लगातार ये प्रयास कर रही है कि बातों से कुछ समाधान हो सके, लेकिन हम ये कहते हैं कि आश्वासन के सिवा कुछ नहीं होता। एक बार तालमेल कमेटी को बुलाया जाता है और वहाँ आश्वासन देकर के कुछ नहीं होता। बार बार हम ये मांग करते हैं कि रोडवेज विभाग बिल्कुल सिकुड़ने के कागार पर है, इसलिए हम दोबारा से फिर ये मांग करते हैं कि रोडवेज के जो मांग पत्र है उस मांग पत्र पे बात की जाए। 20 तारीख के बाद भी सरकार नहीं चेती तो हम ये कहना चाहते हैं जल्द ही तुरंत तालमेल कमेटी की हम मीटिंग बुलाएंगे और उसमें आगे कोई रणनीति अपना करके और बड़ा फैसला लेंगे जिसमें रोडवेज को पूर्ण 1 दिन का 2 दिन का चक्का जाम करना पड़े तो भी हम करेंगे। हम मांग मनवा के रहेंगे चाहे हमने कोई भी कुर्बानी देनी पड़े रोडवेज की। भारत में किसान धीरे धीरे खेती करना छोड़ रहे हैं जिससे किसानों की संख्या कम होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण किसानों को उचित लाभ न मिलना। खेती में किसानों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मार्च 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कृषि नीति में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार भारत की कृषि नीति का मुख्य लक्ष्य 2022 तक अनाज का उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आमदनी दुगनी करना था। सरकार इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय मंडी स्थापित करने पर काम कर रही है और इस योजना के अंतर्गत देश की 1/3 विनिमय थोक मंडी को सूचीबद्ध कर लिया गया है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है FPO के तहत हम किसानों को संगठित करके और कंपनी के माध्यम से इकट्ठा लाभ पहुंचा सकते हैं। एक FPO एक ऐसी संस्था है जिसमें छोटे किसान, जो छोटी जोत वाले किसान हैं, 2 एकड़ वाले, 3 एकड़ वाले, वो संगठित होके एक व्यापार FPO के माध्यम से कर सकते हैं। जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है तो किसानों का किस तरह फायदा लाभ ले सकते हैं, क्या फायदे होंगे, किस तरह? भाई इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत सरकार बहुत सी सुविधाएं देती है किसानों को। सब्जियों के प्रति सरकार का बहुत ध्यान है, बागवानी और सब्जियों के प्रति, तो जो भी सरकारी स्कीमें आती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से उनको लागू करवाने में भी हमारा एक अच्छा योगदान है। हम किसान के घर तक वो स्कीमें पहुँचाने का काम भी कर रहे हैं और उनको दूसरा एक व्यापार के माध्यम से देखें तो उनको इनपुट
इनपुट में सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वो हम सब मुहैया करवाते हैं। तो एक तो क्वालिटी सीड उनको मिल जाता है, सस्ते दामों पे मिल जाता है क्योंकि हम बल्क में खरीदते हैं। दूसरा, जब उनकी फसल बिक्री के लिए आती है तो हम कुछ कंपनियों से कॉन्टेक्ट करते हैं कि उनको उनकी फसल का अच्छा दाम मिल जाए। तो इस तरह के फायदे बहुत से हैं एफपीओ के थ्रू किसानों को। इसमें किसानों का जो संगठित समूह है वो होता है जी। तो इसमें जो छोटे किसान हैं उनको किस तरह का फायदा होता है? छोटे किसानों को देखो जी, अब उसको मंडी करनी है किसी किसान को, अब 2 एकड़ है, 2 एकड़ में वो सब्जियां कर रहा है या अनाज कर रहा है। अगर उसको दिल्ली बेचने जाना है तो अब वो कितनी क्वांटिटी, 10 थैली, 20 थैली, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल सब्जियों को लेके नहीं जा सकता। अगर वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे अच्छे रेट चल रहे हैं, 2 क्विंटल को लेके जाएगा तो उसको एक तो किराया ज़्यादा पड़ेगा। अब संगठित होकर अगर 10-20 किसानों की सब्जियां जाती हैं दिल्ली तो उसको, उनको सीधा सीधा बेनिफिट ट्रांसपोर्ट का भी, और बल्क में कोई भी कंपनी या कोई। चल बढ़ते अगली खबर की ओर। अवैध माइनिंग के खिलाफ 3 गांव की पंचायतें उतरी हैं। माइनिंग कंपनी पर अवैध खनन के आरोप लगाए गए हैं। पंचायत करके ये फैसला लिया गया है, नियम अनुसार कार्य नहीं होगा तो माइनिंग बंद करवा दी जाएगी। ग्राम पंचायतों को लिखित में देने के बाद भी अवैध माइनिंग जारी है। नियमों को ताक पर रख कर ये माइनिंग की जा रही है और ओवरलोडिंग की जा रही है। ब्लास्टिंग के कारण पूरे क्षेत्र में धूल से लोग परेशान हैं। नियमों के अनुसार माइनिंग कंपनी में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 3 गांव की पंचायतों का अल्टीमेटम है कि सावधान नहीं हुए तो माइनिंग को बंद करवा देंगे। सरकार व प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। गांव अटेला में हुई पंचायत में फैसला लिया गया। जगदीश राय, धर्मेंद्र सांगवान, इंद्रजीत सांगवान इत्यादि इस मौके पर उपस्थित रहे। जो मीटिंग की गई है किस तरह क्या है जी? सच्चाई ये है, हम गांव के मौजूदा युवा और सब साथियों साथ 8-22 दिन से धरना बैठे हैं और न तो रोजगार दिया जा रहा, अवैध माइनिंग हो रही है, बोरी बड़ी ब्लास्टिंग करी जाए हैं। हम आपने एक सबूत भी देंगे कि ऐसा गैर कानूनी काम किया जाए जिस तरह की सजा भी हो सकर उम्र भर की। ये बड़े बड़े ऐसे बारूद को ऐसे गांव में से ऐसे खिलाड़ू करते हैं कि गांव कोई खिलौना हो, वो भी ग्रीन बेल्ट ख़त्म कर रखी है और बहुत ही ख़राब पानी, मीठा पानी का यूज़ किया जाए बहुत बुरी तरीके। हम पूरा जोर के तौर पर कहा है अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम इसने बंद कर देंगे और बंद कर देंगे, हमने इसके अलावा कोई संद नहीं। हम करता अगली खबर की ओर। पुलिस द्वारा नाइट डोमेशन अभियान चलाया गया है। इस दौरान सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने इलाके में गश्त में मौजूद रहे। विभिन्न स्थानों को चिन्हित कर नाकेबंदी की गई। व्यक्तियों व वाहनों की गहनता से जांच की गई। नाइट डोमेशन के दौरान होटल, धर्मशाला, सलाई, ढाबे व अन्य ठहरने वाले स्थानों की भी गहनता से जांच की गई। विनोद कुमार पुलिस अधीक्षक चरखी दादरी ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक रोहतक, वेंचिक व पुलिस महानिदेशक हरियाणा दिशा निर्देश के तहत सोशल नाइट डोमेन अभियान चलाया गया है। दादरी पुलिस द्वारा प्रभावी रूप से नाइट डोमेशन अभियान चलाया गया है जिसमें दादरी पुलिस को काफी सफलताएं मिली है। डोमेशन के दौरान जिले में 22 स्थानों पर नाकेबंदी कर वाहनों की गहनता से जांच की गई। नाइट डोमिनेशन है उसमें हमारे SP साहब के आदेश निर्देश अनुसार जो भी कार्रवाई कर रही है वो हम कर रहे हैं और हर तरह से मतलब जो भी ट्रैफिक के कानून की उल्लंघना कर रहा है उसको सख्ती से बरत रहे हैं। सख्ती से ये कानून लागू किया जा रहा है, मास्क का हो चाहे मोटर व्हीकल का हो। SP साहब की सख्त हिदायत है कि जो भी कानून का जो भी इसका उल्लंघन करता है उसको सख्ती से निपटा जाए और उसके हम पालन करें। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।